वालेकुम अस्सलाम गुफरान भाई, आपने कहा ये दरबार है और जिस पे आने वाले जायरीन को धक्के मुक्के ते डंडे मोटे सोटे लग रहे हैं, ये कौन सा दरबार है? ये पाकिस्तान में कोई एक दरबार थोड़ा है जो हम आपको बताएं। यहाँ तो 20 यों दरबारों का ये हाल है। उर्स के मौके पर यही होता है, धड़ाधड़ रश होता है। और चूंकि उर्स के मौके पर भी और उर्स के अलावा भी, आप इंडिया में देखें, आप अजमेर में देखें, आप अजमेरी पे देखें, क्योंकि इन दरबारों मजारों पे फूल जड़ियां बहुत सारी आई हुई होती हैं, शैतान की नानियां। तो इसलिए फिर ये पतंगे भी वहां फिर बहुत ज्यादा होते हैं। और कई दरबारों पर ऐसा भी बहुत कुछ होता है, जैसे जन्नती बहिश्ती दरवाजा, तो हजारों की तादाद में लोग आए हुए होते हैं। उनको ये बताया गया कि जो इस बहिश्ती दरवाजे से, उसका नाम बहिश्ती दरवाजा है, जो इस दरवाजे में से गुजर गया तो वो बस जन्नती हो गया। जैसे अभी तला भाई के पीछे जवाब सवाल के जवाब पर बताया, हमारे यहाँ एक दरबार है, बिलोट बिलोट का इलाका है और वहां बहुत बड़ी दरगाह है। उसको वैसे पूरे गांव को ही बिलोट शरीफ कहते हैं। और आपके इंडिया में तो मुझे नहीं पता, उम्मीद है कि इंडिया के मुशरिक भी पाकिस्तान के मुशरिकों से कोई पीछे नहीं होंगे। बहरहाल हमारे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां दरबार मजार है ना, जिस जिस बस्ती में, तकरीबन मेरे इल्म मुताबिक तो यही है कि उस बस्ती के साथ ही लफ्ज शरीफ क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ये बिलोट है तो यहां पर बहुत बड़ी दरबार है, दरगाह है, बिलोट शरीफ। एक और डीआई खान के अंदर, डेरा इस्माइल खान के अंदर ही एक दरगाह है। और उस वो दरगाह या मजार जिस 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 बस्ती या गांव के अंदर मौजूद है, उसका नाम है खाना, खा अलिफ नून हा खाना। एक और नाम भी उसका है, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल उसको क्या कहते हैं, खाना शरीफ। तो इसी तरह एक और दरबार मजार है, वो जिस गांव के अंदर है, उसका नाम है लुंडा, लाम नून डाल अलिफ लुंडा। तो उसे भी कहा जाता है लुंडा शरीफ। हाँ जी, इसी तरह लाहौर शरीफ, पाक पतन शरीफ। तो ये ऐसे कई दरबार पाकिस्तान में इनकी भरमार है मेरे भाई। और ये मुशरिक हैं बड़े होशियार, जहां इनको रश का पॉइंट नजर आता है ना कि यहां पब्लिक गैदरिंग ज्यादा है, वहां आप देखेंगे मजार बनाया होगा। आप लाहौर आए, इंडिया में भी उम्मीद है इंशाल्लाह हमसे दो हाथ आगे होंगे इंडियन मुशरिक, तो लाहौर आए यादगार चौक पे, बिल्कुल मीनारे पाकिस्तान, एक तरफ मीनारे पाकिस्तान है और दूसरी तरफ बाबे का मजार है। मीनारे पाकिस्तान से आप जो है वो, जब तक मैं पढ़ते हुए लाहौर जाता रहा, आप पता नहीं अड्डा वहां है या नहीं है, तो मीनारे पाकिस्तान से जब आप डीए खान अड्डे की तरफ जाएंगे तो वहां पर बिल्कुल चौक के ऊपर एक मजार है। और इसी तरह भाटी चौक, लाहौर का बड़ा मशहूर मारूफ चौक है, वहां हजवेरी साहब का, मुशरकों के दाते का दरबार है। तो ये दरबार मजार बहुत सी जगहों पर हैं। कहीं मुक्के पड़ रहे होते हैं, पतंगे फुल जड़ियों के पीछे जा रहे हैं, कहीं जनाब बिलोट की तरह हरामी हलाली दी मोरी बनाई हुई होती है, कहीं पाक पतन की तरह बहिश्ती दरवाजा बनाया रखा होता है, और पता नहीं कहीं और कर कहीं और। तो जो अल्लाह को छोड़े ना, उसको यहां दुनिया में रिजल्ट नहीं मिल रहा है कि यहां तुझे जूते हैं। जो अल्लाह को छोड़े और अल्लाह के गैर को पूजना शुरू कर दे, तो ये दरबारों मजारों पे जूते खल्ले लगने वाले। बल्कि ये तो आपने देखा ना, मुक्के धक्के लग रहे हैं। मुझे याद आया कि ये जहां मैं अभी मौजूद बैठकर जवाब दे रहा हूं, डेरा इस्माइल खान इस्लामिया कॉलोनी, मुझसे तकरीबन मोटरसाइकिल पर 5 मिनट के फासले पर एक दरबार है, और उस दरबार का नाम है शेख यूसुफ शरीफ। हां जी, वहां तो बकायदा बाएहतिमाम जूते खाए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि मुक्के पड़ रहे हैं और डंडे पड़ रहे हैं, वो तो चलो बचने वाला बच तो रहा होगा ना। मुझसे तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत पर मोटरसाइकिल पर शेख यूसुफ शरीफ है, और जनाब उसमें एक दरगाह है और दरबार है और मजार है,
वहां क्या होता है, वहां दूर दराज से देहाती लोग आते हैं, वैसे शहरी मुशरिक भी जाते हैं। वहां पीर साहब बैठे हैं और पीर साहब के हाथ में जूती नहीं है, आपके जूते के नीचे जो जूते का तलवा होता है ना, अगर चमड़े की जूती है उसका मोटा सा तलवा होगा, वो जूते का तलवा पीर ने हाथ में लिया हुआ है। कोई मर्द आया कि कोई औरत आई कि कोई हिजड़ा आया, कोई बच्चा आया, बूढ़ा बुढ़ा आया, हाँ जी जो भी आया ना, वो उसके आगे अपना सर नीचे कर लेता है और पीर साहब वही जूते का तलवा, जूता भी नहीं कि चलो कोई जनाब बाटे का अच्छा सा जूता हो, बाटे का हो या आप और अच्छी अच्छी कंपनियों के आप अब नाम खुद ले लेना, तो बाटा शूज का कोई कीमती जूता हो भाई, ये 5,000 वाला पीस है ना, ऐसा खल्ला, ऐसा जूता और जूते का ऐसा तलवा कि जिसको कूड़ा क्रिकेट खरीदने वाला शायद 1 रुपए में भी खरीदना गवारा नहीं करेगा आज की तारीख में भी। वो जूता लेकर उस आने वाले की कमर पर पीठ पे लगाया जाता है। तो भाई मेरे, जो अल्लाह को छोड़ेगा वो यूं ही जूते खल्ले खाएगा। यहां दुनिया के अंदर ये हाल है और जब होगी कयामत तो फिर तो इनको लगाम डाली जाएगी, इन मुशरिकों को। और लगाम कैसी होगी, मुशरिक और काफिर बेईमान गैरुल्लाह का पूजा करने वाला, उसके मुंह में जंजीर डाली जाएगी और निकाली कहां जाएगी, जहां से वो टट्टी करता है। अब बताइए किसी जेल, अबू गुरैब की जेल में भी और गवांतानामो जेलों के अंदर भी ऐसी ऐसी क्या होगी, ऐसी सजा नहीं दी जाती होगी। इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी जेलें हैं जनाब हैं, और एक जेल के अंदर मियां नवाज शरीफ भी आजकल गए हुए हैं। तो जहन्नम के अंदर क्या अजाब होगा मुशरिकों बेईमानों को कि उनके मुंह में जंजीर डाली जाएगी और पखाने की जगह, टट्टी की जगह से निकाली जाएगी और इन्हें घसीट कर जहन्नम डाला जाएगा। तो ये वो तो है ना कयामत का मंजर, ये दुनिया का मंजर देख लें। बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक और पीर भी है जिसके पास बेनजीर बीबी भी जाया करती थी और ये मियां नवाज शरीफ कब्रों को गुसल देने वाला ये भी जाया करता था। उस पीर का नाम था डंडा पीर। उसके हाथ में एक छोटा सा डंडा या स्टिक होया करती थी और वो आने वाले की कमर पर मारा करता था। वैसे आपने पाकिस्तानी चैनलों पर ARY पर इकरारुल हसन भाई का वो जफिया पाने वाला पीर तो आपने जरूर देखा होगा, है ना, खल्लों वाली, जूतों वाली सरकार, डंडों वाली सरकार। मैंने तो बता दिया ना, मीडिया पर हमारा एक पाकिस्तानी चैनल है ARY न्यूज, और वहां एक प्रोग्राम है जिसके मेजबान है इकरारुल हसन, पता नहीं उसका नाम क्या है। तो जफियां पाने वाली दरबार है, बाबे का मजार है और वहां पर मर्द भी आते हैं, खवातीन भी आते हैं। तो उस बाबे का आने वालों को दम रखने का तरीका यह है कि बाबा कुड़ी को, लड़की को, औरत को उसके बाप सामने, हाँ जी उसके भाई सामने, उसके खामन सामने, उसकी बेटे के सामने, पूरी पब्लिक के आगे दिन की रोशनी में, रात के अंधेरों में बलात्कार नहीं करता, दिन की रोशनियों में वो औरत को अपने सीने के साथ लगा लेता है। क्या मतलब, जफी पा लेता है और फिर बार बार उसको प्रेस करता है, दबाता है। तो जो अल्लाह को छोड़ेगा वो दुनिया में यही रिजल्ट ही देखेगा। इतना ही नहीं करता ये जफियां पाने वाला, औरतों को अपने सीने के साथ प्रेस करने वाला जोर जोर से, उसके दरबार पर साथ में मौजूद एक तालाब है जिसके अंदर भैंस भी पहले सोचेगी कि जाऊं कि न जाऊं, और फिर वो औरत को ले जाकर उस पानी के तालाब में बिठा देता है, उसकी कमीज उतार देता है। वैसे उस चैनल वाले ने दिखाया बहुत सारी खवातीन की उतरी हुई जो कमीजें थी वो सामने मौजूद थी, ये तो चैनल ने दिखाया ना। अब आगे नीचे वो शलवार उतारता हो तो वो कैमरे ने शायद नहीं देखा होगा। तो वो कमीज उतार कर वो जफिया पाने वाली सरकार औरत की कमर पे हाथ फेरता है, ये क्या हो रहा है, बाबा दम कर रहा है, हैं?
तो जो अल्लाह को छोड़ेगा वो यूं ही जूते खल्ले और डंडे खाएगा। और पाकिस्तान इस मामले में बड़ा खुद कफील है। हमारे यहाँ पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, इस मामले के अंदर बहुत एडवांस हैं। और ये केपीके भी कोई इनसे पीछे नहीं है, लेकिन भारत शायद पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुकाबले में थोड़ा ये कम है। और फिर रह गया कश्मीर, वो आज़ाद है या मकबूजा है, तो वो भी पंजाब की तरह इस मामले में काफ़ी जो है वो एडवांस है। इन दरबारों मज़ारों, खल्ला लगाने वाले पीर, ते डंडा मारने वाले पीर, ते जफियां पाने वाले पीर, ते नंगे बाबे, वो हिंदुओं के साधु मैंने देखे, कहाँ देखे थे पता नहीं, डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक पर कहीं कभी देखे थे, तो हिंदू साधु बिल्कुल नंगे धड़ंगे, ना उनके ऊपर के जिस्म पे कोई लिबास, ना नीचे के जिस्म पे कोई लिबास, बिल्कुल नंगे धड़ंगे। और हिंदू औरतें उनकी यात्रा कर रही हैं, और खास कर उनके उजवे तनासुल, आलय तनासुल की यात्रा हो रही है। तो यहाँ हमारे मुसलमानों के अंदर भी कई ऐसे बाबे मौजूद हैं जो बिल्कुल नंगे हैं, और आने वालों को जो है वो अपने उजवे तनासुल के दर्शन भी करा रहे होते हैं, और देखने वाले भी खुश हो रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला हमें तौहीद पर रखे, हमारी तौहीद पर ही मौत हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमारी मौत आए, और अल्लाह ताला इन मुशरकों को हिदायत दे। वरना जिनको यहाँ जूते और खल्ले और डंडे पड़ रहे हैं, तो वहाँ फिर इनको सजा मिलेगी कि इनके मुंह में जंजीर डाली जाएगी और पखाने की जगह से निकाली जाएगी, और फरिश्ते पकड़ के घसीट घसीट के जहन्नम डालेंगे।